संसद सुरक्षा में चूक मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का सियासी बयान सामने आया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई और यही वजह है इससे संसद पर हमला हुआ है। बेरोजगारी का मुद्दा जो पूरे देश में उबल रहा है, थोड़ा यार मोदी जी की पॉलिसी के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिला, तो ब्रीच जरूर हुई है बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। थैंक यू सर। और संसद में सुरक्षा चूक की घटना पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम सदन में बार बार कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री आकर बयान दें, लेकिन वे वहां नहीं आना चाहते और बयान नहीं देना चाहते। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। ये जो है सिक्योरिटी जो ब्रीच हो गई है, ये गंभीर मामला है और इस पे सरकार ध्यान देना चाहिए और हम पार्लियामेंट में बार बार ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे, लेकिन होम मिनिस्टर वहां आना नहीं चाहते और स्टेटमेंट देना नहीं चाहते। क्यों हुआ, कैसा हुआ, क्या कारण है, इसके बारे में कोई बताना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके टीवी शो में जाकर घंटों से बैठते हैं लेकिन 5 मिनट का स्टेटमेंट हाउस में आकर देकर क्लैरिफाई करके हाउस चलाने के लिए वो तैयार नहीं है। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कहा कि खेलने के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार अब खिलाड़ियों को अधिकारी बना रही है। तेजस्वी ने कहा कि मैं 2-2 मुख्यमंत्री का बेटा रहते हुए भी डिग्री नहीं ले पाया, अगर चाहता तो डिग्री खरीद सकता था पर मैंने खरीदी नहीं, जबकि बहुत से लोगों के पास फर्जी डिग्री है। माता पिता है, पेरेंट्स है, हम ये नहीं कह रहे कि पढ़ाई मत करना कि भैया डिग्री ले लेनी चाहिए। हमको 2-2 सीएम के बच्चे रहे लेकिन फिर भी चाहते तो डिग्री मिल ही जाता, लेकिन हम ऑनेस्टी से काम किए। 2-2 मुख्यमंत्री के बेटे होने के बाद भी कई लोगों के पास जाली डिग्रियां हैं लेकिन हमने नहीं लिया। पर आप लोग पढ़िए लिखिए, खूब खेलिए, तरक्की कीजिए और माता पिता से कहेंगे अब तो पुराना वाला कहावत नहीं चलेगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, ये पढ़ाना नहीं है। और अगला सेगमेंट ऐसी तस्वीरों के साथ जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य का वीडियो वायरल है। अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी देने वाली रोहिणी आचार्य के राजनीति में सक्रिय होने की कयासबाजी तेज हो गई है। सियासी गलियारे में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में रोहिणी काराकाट सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के सवाल पर रोहिणी ने इनकार कर दिया। और आपको बताएं कि रोहिणी की शादी दाऊदनगर के हिच्छन बिगहा में समरेश सिंह से हुई है और शादी के बाद वो अपने पति के साथ सिंगापुर में रहती हैं। शुक्रवार को रोहिणी पति समरेश सिंह और भाई तेज प्रताप यादव के साथ अपने ससुराल पहुंची और अपने दिवंगत ससुर राव रणविजय सिंह की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई और क्षेत्र के लोगों से मिली और इसके बाद से ही कयासबाजी तेज हो गई कि क्या रोहिणी काराकाट से चुनाव लड़ेंगी।